जो होमोजेनियस कैटालिस्ट है, होमोजेनियस कैटालिस्ट के बारे में हमने ये जाना कि होमोजेनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं, इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम मीडियम से, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिटिक प्रोसेस शो करते हैं, और ये जो शो करते हैं इसके लिए ये कुछ रिएक्शंस शो करते हैं, उन रिएक्शंस को पहले हम पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू द पर्टिकुलर कैटालिस्ट, फिर हम पर्टिकुलर कैटालिस्ट की रिएक्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, यानी एक जो रिएक्शंस हैं जो होमोजेनियस कैटालिस्ट शो करते हैं वो है ऑक्सीडेटिव एडिशन। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन है, माइग्रेटरी इंसर्शन है, ये जो रिएक्शंस हैं ये रिएक्शंस आपको लगभग हर तरीके के होमोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शंस में मिलेंगी। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है क्या। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर हम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर दो टर्म आए हैं, कौन कौन से टर्म है, एक है ऑक्सीडेटिव, नंबर वन इज ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव मींस एक तरीके से हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरा जो टर्म आप देख रहे हैं एडिशन, एडिशन मींस कि एडिशन भी हो रहा है, मतलब दो चीजें यहां पर हो रही हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरा एडिशन हो रहा है, इसलिए इसका कंबाइंड नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन भी होता है और एडिशन भी होता है। अब ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है ये दो तरीके का है, एक है मोनोन्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन और दूसरा है बाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन, जिनको हम वन बाई वन देखेंगे विद दी एग्जाम्पल्स। मोनोन्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन को अगर हम देखेंगे तो ये टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेटिव एडिशन है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज होने वाला है, और ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन है। सिस फॉर्म में यानी जो ऐड होने वाले ग्रुप्स हैं वो सिस पोजीशन पर ऐड होते हैं। दूसरे तरीके का जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो है बाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन, और अगर आप बाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन को देखेंगे तो ये वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेटिव एडिशन है। जनरली ये ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके होमोलिटिक एक्टिवेशन से, अभी आप देखेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल है उसका होमोलिटिक एक्टिवेशन होगा और उसके बाद वो क्या होगा, मेटल सेंटर पर जुड़ेगा। तो ये दो अगर हम जो टर्म है उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको जो बता रही थी वो ये कह रही थी जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो दो टर्म से मिलके बना है, ऑक्सीडेशन प्लस एडिशन। तो आप देखेंगे, देखिए अगर ए एक रिएक्टेंट है जो कि बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, तो तीन मेन चीजें चेंज होती हैं, वो क्या है, नंबर वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली जो चीज जो चेंज होती है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसीलिए ऑक्सीडेशन है, इसीलिए यह ऑक्सीडेटिव है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ए से जब बी में कन्वर्ट होगा तो ए से बी की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप देखेंगे ये तीनों चीजें इंक्रीज होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा मतलब एडिशन हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, एडिशन होना। तो दो चीजें तो साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, उसके साथ में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट भी बढ़ेगा। तो अभी हम पहले देख रहे हैं एग्जांपल पे मोनोन्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन, जहां पर आप देखेंगे ये टू इलेक्ट्रॉन का यहां पर चेंज होने वाला है। तो आप देखिए ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, और इस मेटल कॉम्प्लेक्स में ये एक हम क्या जोड़ रहे हैं, एक रिएक्टेंट जोड़ रहे हैं, और ये रिएक्टेंट देखिए कैसे ऐड हो गया, इस मेटल सेंटर पर ये ए भी जुड़ गया और बी भी जुड़ गया, देखिए ए और बी का, ए और बी जो है वो इसमें जुड़ गए। तो ये अगर रिएक्शन हम शो करते हैं, जनरली इसको इक्विलिब्रियम साइन से दिखाते हैं, वैसे तो एक ही साइड ये रिएक्शन होती है हमेशा, थर्मोडायनेमिक्स पर डिपेंड करती है, तो इसका जो अपोजिट होता है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, लेकिन एक बार में एक ही रिएक्शन होती है, एक समय में जब एक कैटालिटिक प्रोसेस हो रही होगी तो उस समय ये नहीं कि दूसरी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, नहीं, ये यहां पर ये दिखाया है कि जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है उसकी रिवर्स रिएक्शन होती है, लेकिन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो है वो वहां पर क्या हो रहा है, देखिए अब आप देखिए ये एक मेटल सेंटर है, इस मेटल सेंटर पर जब ए और बी जुड़ा तो देखिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी था, पहले एल जुड़े हुए थे, अब दो इस पे और स्पीसीज जुड़ गई है ए और बी, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये दो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जुड़
क्या हो गया, बढ़ गया है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हुआ है बाई टू से. अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो अभी आप एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो ये दो स्पीसीज क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करती है. तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन काउंट दो से इंक्रीज होता है. और आप देख रहे हैं क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को दे रहा है मेटल को, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दो यूनिट से क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो इस तरीके से आप देखेंगे जो मोनो न्यूक्लियर है, मतलब एक ही न्यूक्लियस में दो एटम्स ऐड हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है, एक ही न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस जब ऐड होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा. इलेक्ट्रॉन काउंट टू इलेक्ट्रॉन से बढ़ेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी टू काउंट से बढ़ेगा. ऑक्सीडेशन स्टेट भी टू काउंट से क्या होगी, इंक्रीज होगी. नेक्स्ट अगर हम देखें बाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन, बाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव एडिशन मीन्स दो न्यूक्लियस पर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं दो एलिमेंट्स. तो आप देखिए ये क्या होती है, वन इलेक्ट्रॉन चेंज स्पीसीज, वन इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके की स्पीसीज हो सकती है MLN, या फिर ये दो मेटल सेंटर यहाँ पर हो सकते हैं. तो हमने दो मेटल सेंटर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर जब A और B ऐड होता है तो आप देखेंगे MLN एक के साथ तो A अटैच हो गया और दूसरे के साथ क्या अटैच हो गया, B हो गया. या फिर यहां पर क्या हो सकता है, ये बॉन्ड टूटे और यहां पर A जुड़ जाए और यहां पर B जुड़ जाए. तो इस तरीके से आप देखेंगे ये बाई न्यूक्लियर है. बाई न्यूक्लियर मीन्स एक मेटल पर एक एलिमेंट एक पार्ट अटैक कर रहा है और दूसरे पर दूसरा पार्ट अटैक कर रहा है. तो यहां पर जो फिजन होता है ये होमोलिटिक फिजन होता है. होमोलिटिक फिजन के बाद A एक से जुड़ गया और B दूसरे से जुड़ गया. तो इस तरीके से आप देखिए ये जो मेटल सेंटर है इस पर केवल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कितना चेंज आएगा, एक ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज आएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से बढ़ा, एक से बढ़ा. इलेक्ट्रॉन काउंट कितने से बढ़ा, एक से बढ़ा. तो आप देखेंगे कि जो बाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट वन से चेंज होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर वन से बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन काउंट वन से बढ़ता है. तो आप देख रहे हैं यहां पर ये सब चीजें बढ़ रही है. टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में दो का चेंज है और वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में एक एक यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज भी हो रहा है, चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन काउंट भी चेंज हो रहा है. तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है. ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, और जो जो आप देख रहे हैं एडिशन हो रहा है, एडिशन से क्या हो रहा है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन काउंट भी इंक्रीज हो रहा है. तो अगर हम मैंने आपसे कहा कि थ्योरेटिकली अगर हम देखें, थ्योरी वाइज देखें, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का जो रिवर्स होता है वो होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन. रिडक्टिव एलिमिनेशन इज द रिवर्स ऑफ रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन. बट इट इज थ्योरिटिकली, ये थ्योरिटिकली है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया. बट एक बार में एक ही रिएक्शन होती है, और एक्चुअल में अगर हम देखेंगे इन प्रैक्टिस ओनली ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन टेक्स प्लेस. केवल एक ही रिएक्शन एक बार में होगी, दूसरी रिएक्शन नहीं होगी. और ये जो रिएक्शन का होना है कि ये ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी कि रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, इट डिपेंड्स अपॉन ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स. ये ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड करती है कि अगर माइनस जो डेल्टा जी है वो जिस ओर माइनस होगी वही वाली रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन नहीं होगी. तो रिएक्शन की जो जी है या एंट्रोपी है उस पर डिपेंड करने वाली है कि रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन हो या रिडक्टिव एलिमिनेशन हो, ठीक है. और दूसरा डिपेंड करती है कि जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड बन रहे हैं, मतलब अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और होगी, और जो ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और होगी. मतलब जो वो प्रोड्यूस हो रही है स्पीसीज उनमें से कौन सी स्पीसीज अधिक स्टेबल है उस पर डिपेंड करेगा. और कई बार डिपेंड करता है कि जो ओल्ड जो एम और एल के बीच का बॉन्ड था और जो न्यू बनने वाला जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि प्रोसेस ऑक्सीडेटिव होनी है या रिडक्टिव होनी है. इसको कौन अफेक्ट करने वाला है, ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ. फॉर एग्जांपल यहां पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ये एल्काइल हैलाइड है,
एल्काइल हैलाइड को अगर हम लेंगे तो एल्काइल हैलाइड जब मेटल कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन करता है, मान लीजिए ये MLN है और जब इसके साथ RX ने रिएक्शन करी तो ये क्या बन गया, एक एडक्ट बन गया, और एडक्ट कुछ इस तरीके का बना कि R इधर जुड़ गया और X इधर जुड़ गया। अब ये क्या हो गया, देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, लेकिन ऑक्सीडेटिव एडिशन तो हो गया क्योंकि ये जो एडक्ट बना है यहां पर जो MX बॉन्ड बने MR बॉन्ड बने वो स्ट्रांग होते हैं। अब मैं अगर चाहूं कि भाई ये दोनों निकल जाए और वापस मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसका रिवर्स जो है वो कठिन होता है, यानी इसका रिवर्स कौन होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो कठिन रिएक्शन है। मैंने आपसे कहा जरूरी नहीं है कि जब रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो उस समय ऑक्सीडेटिव एडिशन उसी रिएक्शन का हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स कैसी है उस पर्टिकुलर रिएक्शन की, उसी हिसाब से ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है या रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव एलिमिनेशन एक दूसरे के वाइस वर्सा, इनके अपोजिट तो जरूर है बट ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का रिएक्शन वहां पर कैसी थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, अगर हम देखेंगे ये जो एडक्ट का फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो आप देख रहे हैं कि आरएक्स बन गया है तो ये इजी रिएक्शन जो है, जो एडिशन की है वो क्या है, ये जो आप देखेंगे जो थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है वो सबसे ज्यादा स्टेबल एडक्ट बनाती है। ये जो एडक्ट हमने बनाया है, ये एडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो आप देखेंगे जो थर्ड सीरीज के मेंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीडेट एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर जो ML बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, सबसे स्ट्रांग होती है। तो इस पर डिपेंड करेगा, जैसे आप देखिए ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन डायरेक्शन जो है वो फेवर होती है बाई स्ट्रांग डोनर लिगेंड। स्ट्रांग डोनर लिगेंड को अगर हम देखेंगे, देखिए जो स्ट्रांग, ये जो एक यहां पर बनाया हुआ है लिगेंड है, ये लिगेंड जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर ये करेगा तो ये क्या करेगा, आप देखिए ये जो है इस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप एक ये भी कह सकते हैं कि जो इस जो ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन है वो कौन करते हैं, स्ट्रांग डोनर लिगेंड्स। अगर ये डोनर लिगेंड होगा तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन आसानी से करेगा और ये प्लस टू स्टेट में क्या होगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो स्टेबलाइजेशन है वो कब ज्यादा होगा, जब आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, जो लिगेंड है वो स्ट्रांग डोनर है। मतलब टोटल अगर हम कहें, कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, लिगेंड के डोनर एक्टिविटी पर। जितना अधिक डोनर लिगेंड होगा उतना आसानी से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। जितना स्ट्रांग ML बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो डिपेंड कर रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बॉन्ड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी, कौन सी वाली स्टेबल है, जो ML बॉन्ड है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है। फिर आप देखेंगे कि यहां पर जो हम देखते हैं कि ये जो जो नया बॉन्ड बन रहा है उसके लिए क्या जरूरी है, देखिए MLN है, MLN जब AB से रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब इस बॉन्ड को क्या कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेकेज जरूरी है, ठीक है। तो ये जो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड है ये होता है, ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से ट्रांसफर होता है इस ए बी जो जो बॉन्ड है इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है, कौन, मेटल सेंटर। उसके बाद वो क्या बनाता है, वो बनाता है देखिए ए और बी, एम ए बॉन्ड एंड एम ई बॉन्ड, एम बी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एम क्या करता है, एम का क्या काम है, जो ए बी है ए और बी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना। और बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल को। और जब इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूटने के बाद नए बॉन्ड बनते हैं MA एंड MB। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए क्या जरूरी है, ये बॉन्ड का ब्रैकेज, ए बी बॉन्ड का ब्रैकेज। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। ये बॉन्ड का ब्रेक होगा, ये बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा ए बी बॉन्ड के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल को। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा वैसे ही एम ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा और नए बॉन्ड बनेंगे जो कि एम ए और एम बी होंगे। ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के समय में होगा। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन को
फेवर करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर वन जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर। तो जितना ज्यादा, अब आप देखिए एम जीरो है क्योंकि क्या होना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो है ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ये अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इसका क्या होना, इलेक्ट्रॉन एफिशियंट होना, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी तभी इसका क्या कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन कर पाएंगे। और जब ऑक्सीडेशन कर पाएंगे तभी क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब है ऑक्सीडेशन करना। तो ऑक्सीडेशन तभी होगा जबकि जो मेटल है वो अपनी क्या होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, तभी क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर ये हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे D8 है, ये D8 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करता है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन वही शो करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर्स होंगे, क्योंकि वो मेटल सेंटर्स क्या करते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करते हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो फेवर है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये सिस्टम है और AU है, AU 1 से 3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। PD जो है PT 0 से प्लस 2 में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करता है, यानी D10 D8 कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो मोनोन्यूक्लियर टाइप का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करते हैं। ऐसे ही RHIR है, RHIR 1 से 3 में कन्वर्ट होते हैं। ये सिस्टम जो है D8 D6 है तो ये भी मोनोन्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे रीनियम है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब यहां पर आप देखिए कोबाल्ट का जो सिस्टम है वो 2 से 3 में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चेंज है, तो ये बाइन्यूक्लियर टाइप का ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करता है। तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हैं जहां पर आप देखेंगे कि AU है तो वो एक ऐसी स्टेट में है जो कि स्टेबल नहीं है, वो यहां से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगा, तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन एफिशियंट होगा। तो ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए। अब ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है जरूरी नहीं है कि ट्रांजिशन मेटल्स तक ही क्या हो, लिमिटेड हो, लेकिन ये जो है दूसरे एलिमेंट्स में भी हो सकता है जो कि 2 यूनिट अपार्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे PCl3 में अगर Cl2 जोड़ दें तो PCl5 बन जाएगा, या MeBr में यानी जो अल्काइल हैलाइड है उसमें Mg जोड़े तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। तो कई बार क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन जरूरी नहीं है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ही हो, बल्कि ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है ये और दूसरे तरीके के एलिमेंट्स में भी हो सकता है। अब अगर हम देखें ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएजेंट, अगर हम ऑक्सीडेटिव एडिशन में टाइप ऑफ रिएजेंट्स देखें तो टाइप ऑफ रिएजेंट यानी आपने देखा कि एक तो है हमारे पास MLN, ये तो मेटल कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें हम क्या जोड़ रहे थे, ये रिएजेंट जोड़ रहे थे। ये जो रिएजेंट है इसके टाइप की बात कर रहे हैं, ये रिएजेंट मे बी AA टाइप और मे बी AB टाइप। तो ये जो रिएक्टेंट है जो AA टाइप होगा ये नॉन पोलर रिएजेंट है, ये क्लास A का रिएजेंट है, और जो दूसरे रिएजेंट है जो पोलर रिएजेंट है वो AB टाइप है, वो क्या है, पोलर रिएजेंट। यानी जो अटैकिंग रिएजेंट है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं नॉन पोलर रिएजेंट्स और दूसरे हो सकते हैं पोलर रिएजेंट्स। अगर हम नॉन पोलर रिएजेंट्स की बात करें तो नॉन पोलर रिएजेंट्स दे रिक्वायर अनसैचुरेटेड मेटल सेंटर, मतलब वो जो मेटल सेंटर है उसको इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होना है, तो वैसा सेंटर ये चाहता है, उस तरीके के सेंटर की जरूरत है, ठीक है। और यहां पर जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो कंसर्टेड 3 सेंटर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब आप देखेंगे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है उसको करने की भी डिफरेंट मैकेनिज्म है, तो उसको करने की जो डिफरेंट मैकेनिज्म है वहां पर आप देखेंगे कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो एक तो उसके लिए अनसैचुरेटेड, वो तो सभी के लिए चाहिए। दूसरा क्या जरूरी पॉइंट है कि यहां पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कंसर्टेड है। कंसर्टेड जो मैकेनिज्म है वो 3 सेंटर मैकेनिज्म है, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से ये मैकेनिज्म शो करता है। दूसरे तरीके के जो रिएजेंट है वो है पोलर रिएजेंट, जहां पर ए और बी अलग अलग होंगे। तो ये जो पोलर रिएजेंट्स
से यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है वो मेन थ्री मैकेनिज्म के थ्रू होता है, SN2 मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म। तो टोटल मिला के चार मैकेनिज्म हो गए ऑक्सीडेटिव एडिशन के, कंसर्टेड मैकेनिज्म जिसको हम थ्री सेंटर मैकेनिज्म भी कहते हैं, और तीन मैकेनिज्म हो रहे हैं SN2 मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म, जिसमें आप देखेंगे कि नॉन पोलर रिएजेंट का जो एडिशन है वो वाया कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, और जो पोलर रिएजेंट का जो एडिशन है वो वाया SN2 रेडिकल एंड आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब हम देख रहे हैं कि जो नॉन पोलर रिएजेंट है उसका एडिशन हम देख रहे हैं, तो आपसे ये कहा मैंने कि जो नॉन पोलर रिएजेंट का जो एडिशन होता है उसके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन साइट। अब आप ये देखिए एग्जांपल देखिए, रेडियम का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो PPH3 दो है, एक Cl है और एक O है, यहाँ पर जो रेडियम है ये वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इट इज अ 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज एन इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है, और यानी 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब ये 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब इट कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स मोर, ये दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, इसीलिए ये एक कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, दो इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये बना सकता है। तो ये क्या करेगा, एक छोटे से मॉलिक्यूल को ऐड कर सकता है अपने में, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, देखिए नॉन पोलर है, नॉन पोलर टाइप का मॉलिक्यूल है, और इस केस में आप देखेंगे कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये कैसे ऐड हो गया, देखिए दो एच ऐड हो गए। ये किस तरीके से ऐड होते हैं, ये ऐसे ऐड होते हैं, देखिए एक एच यहाँ ऐड हो जाएगा, एक एच यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये इस तरीके से दोनों एच ऐड होंगे, तो उससे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा, दो PPH3 एक Cl है एक O है और ये दो एच है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो 16 से 18 हो गए, दो इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ गया। दूसरा आप देखेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से क्या हो गई, +3 हो गई। तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है जहां पर कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड स्पीसीज होनी चाहिए, लेकिन वो जो स्पीसीज होनी चाहिए वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। आ गया कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अब यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि जो एक नॉन पोलर स्पीसीज होती है, स्पेशली नॉन पोलर रिएजेंट होता है जैसे H2 है, उसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो स्पीसीज है इट शुड बी कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन होना जरूरी है। अगर इसमें कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन होगा तभी नॉन पोलर रिएजेंट इस पर अटैक करेगा। अब दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं FeCO4 नेगेटिव, यहाँ पर आप देखेंगे जो स्पीसीज है वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इस 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अगर मैं H2 को जोड़ूं तो ये नहीं जुड़ेगा, ये देखिए नॉन पोलर रिएजेंट है, तो ये जो नॉन पोलर रिएजेंट है वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अटैक नहीं करेगा, बल्कि ये जो पोलर रिएजेंट है इट कैन अटैक इन द 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो नॉन पोलर रिएजेंट है उसके लिए एक जरूरी कंडीशन क्या है, ये जो स्पीसीज है जो मेटल का जो कैटलिस्ट है दैट शुड बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, उसको कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड रहना है तभी नॉन पोलर रिएजेंट अटैक करेगा, नहीं तो पोलर रिएजेंट अटैक कर सकता है नॉन पोलर नहीं कर सकता है। ओके, अब देखिए नॉन पोलर रिएजेंट और जो पोलर रिएजेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन पोलर रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर रिएजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, ऐसा ही एच का एडिशन, CH का एडिशन, CC का एडिशन और मल्टीपल बॉन्ड, इवन मल्टीपल बॉन्ड का एडिशन जो है ये नॉन पोलर रिएजेंट की तरह ये एक्ट कर सकते हैं। पोलर रिएजेंट में अगर हम देखें तो जनरली RX जो है वो पोलर रिएजेंट की तरह एक्ट करता है, या HCl है हाइड्रोजन हैलाइड है वो क्या करता है पोलर रिएजेंट की तरह एक्ट करता है, या HgCl2 ये पोलर रिएजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में ही बाई न्यूक्लियर एंड मोनो न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है, और अगर हम देखें कि मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म इज एंटायरली डिफरेंट, मैंने आपसे कहा जब नॉन पोलर रिएजेंट ऐड होता है तब जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, वो मैकेनिज्म होती है कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, और जो पोलर रिएजेंट का जो एडिशन होता है वहां पर तीन मैकेनिज्म पॉसिबल है, SN2 रेडिकल एंड आयनिक मैकेनिज्म। अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही आवाज में, No, ma'am. ये भी पूछना है ना बार बार, क्योंकि कोई दिक्कत हो गई तो बहुत तेज बारिश हो जाए। ये क्लियर है, एक दो तरीके के रिएजेंट होंगे। ठीक है, अब आप देखिए टू इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो किस तरीके से होता है,
ये देखिए आप, ये जो एक ये एक्चुअली वास का कंपाउंड है, ये बहुत अच्छा कैटालिस्ट माना जाता है। और यहाँ पर आप देखिए जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है कैसे ऐड हो रहे हैं। देखिए नॉन पोलर और पोलर दोनों दिखाएं, O2 का एडिशन। ये देखिए आप लोगों ने पहले डाइऑक्सीजन कंपाउंड भी पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ये डाइऑक्सीजन कंपाउंड बन गया। H2 जुड़ा तो देखिए एक एच यहाँ जुड़ा, एक एच यहाँ जुड़ गया। ये देखिए जो मल्टीपल बॉन्ड है वो भी जुड़ सकता है यहाँ पर, IR के साथ दो सेंटर जुड़ गए। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो पोलर रिएजेंट है उसका ME और X इस तरीके से ऐड हो सकता है। Si R3H, तो एक साइड Si R3 जुड़ गया, एक साइड H जुड़ गया। HgCl2 देखिए ये जो है पोलर रिएजेंट्स है और ये नॉन पोलर रिएजेंट्स है, तो कैसे पोलर और नॉन पोलर रिएजेंट्स ऐड हो सकते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो सकती है। टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है ये डिफरेंट। वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर आप देखेंगे तो आप देखिए दोनों रिएजेंट हमने लिया है, एक रिएजेंट हमने लिया है नॉन पोलर और एक रिएजेंट हमने लिया है पोलर रिएजेंट। तो आप देखिए ये एक एक जो एक कैटालिस्ट है, उस कैटालिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये नॉन पोलर को भी ऐड कर पा रहा है। एक सेंटर देखिए, एक सेंटर में एक एच जुड़ गया, दूसरे सेंटर में दूसरा एच जुड़ गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आर एक्स में एक तो आर जुड़ गया और एक एक सेंटर के साथ एक्स जुड़ गया। तो ये वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। तो जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, एक तो वन इलेक्ट्रॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन, दूसरा हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट्स भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन पोलर रिएजेंट्स का एडिशन और एक पोलर रिएजेंट्स का एडिशन। अब अगर हम देखें नॉन पोलर रिएजेंट्स का एडिशन जब होता है, पहले टाइप में हम जा रहे हैं, तो किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म होती है। जनरली जो नॉन पोलर रिएजेंट का जो एडिशन है वो कैटालिटिक साइकिल्स का स्टेप है, एक बहुत बड़ा स्टेप है। कई सारी कैटालिटिक साइकिल में आप देखेंगे, जैसे ओलिफिन, एल्कीन, एरीन के हाइड्रोजिनेशन में आप देखेंगे, हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन में आप देखेंगे, वहां पर नॉन पोलर रिएजेंट का ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आपको जो कैटालिटिक साइकिल है उसके बीच में आपको दिखाई देगी, एक स्टेप होगा उसका। और जनरली जो कैटालिस्ट जो यूज होते हैं जहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आपको दिखाई देती है वो है वास्का कंपाउंड एंड विल्किंसन कैटालिस्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक जगह पर आपको देखने को मिलेगा जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है। और आप देखेंगे जो सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन, जनरली जो एडिशन होता है जो हमने कहा कि ये एम और एल एन में जो ए बी जुड़ा, अब ए बी हो सकता है ए ए हो सकता है, यहाँ पर हम ए की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होता है जो एडिशन होता है वो सिस पोजीशन पर होता है, दोनों सिस पोजीशन पर क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो मेन जो इसके एग्जांपल मैंने आपसे कहे जहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है और नॉन पोलर का जो अटैक होता है वो वास्का कंपाउंड और विल्किंसन कैटालिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन हम दिखा रहे हैं SiH बॉन्ड का। तो आप देखिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर ET3SiH से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो इस IR में एक साइड से तो क्या जुड़ा है ET3Si और दूसरी साइड से जुड़ा है H, और H और ET3Si एक दूसरे के सिस पोजिशन पर है। तो हमने ये कहा कि ये जनरली सिस पोजिशन पर होते हैं जो एडिशन होता है। अब ये जो स्टेबल प्रोडक्ट है ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो पोजीशन है वो यहाँ पर जो इसके जस्ट अपोजिट में आया एच के बी आर आया, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट है, बट ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में काइनेटिक प्रोडक्ट जो बनता है वो एच और एस आई ई टी थ्री वो एक दूसरे के सिस पोजिशन पर होंगे, यहाँ पर भी एक दूसरे के सिस पोजिशन पर है बट जो पोजिशन है वो बी आर की चेंज हो गई। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वहां पर जो एडिशन होता है नॉन पोलर का वो सिस पोजीशन पर होता है। दूसरा आप देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ एच टू, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में जो वास्का कंपाउंड है इसमें एच टू का एडिशन देखेंगे तो आप देखेंगे जो एच और एच है वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पर क्या होंगे ऐड होंगे, एडिशन हो गया। आप देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहाँ पर IR1 होगा, यहाँ पर IR3 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट 18 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो ये क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। अब देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH, CH का जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है इट में भी इंट्रामोलिकुलर और इट में भी इंटरमोलिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक हमने एजोबेंजीन लिखा है, और एजोबेंजीन में आप देखेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ CO2, CO8 एंड CO आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, एक CH बॉन्ड होगा। यहाँ पर जो CH बॉन्ड है वो आप देखेंगे ये जो C और H है, इस C और H के बीच में ये CO आ गया, ये देखिए CO आ गया। तो आप देखिए जो C और H है
उनकी बाइंडिंग है। यहां से ये एच जो है वो यहां चला गया और ये जो सी है इस सी से कौन जुड़ गया, सीओ जुड़ गया। तो आप ये देखेंगे कि इंट्रामोलिक्यूलर सी एच का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर तीन पीपीएच थ्री है, तो आप देखिए दो पीपीएच थ्री तो ये है, एक सी एल है, एक जो पीपीएच थ्री है वो ये है, और एक पीपीएच थ्री में क्या होगा कि ये पीपीएच टू है और एक ये फिनाइल ग्रुप है। इस फिनाइल ग्रुप का एक सी और एच, तो इसका सी तो आई आर में जुड़ गया और एच यहां जुड़ गया, तो आप देखिए जो सी सी की साइड से भी जुड़ गया और एच की साइड से भी ये जुड़ गया मेटल सेंटर से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सी एच ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है इंट्रामोलिक्यूलर एज वेल एज इंटरमोलिक्यूलर। अगर आप इंटरमोलिक्यूलर में देखेंगे तो आप देखिए रुदीनियम का कॉम्प्लेक्स है और इस रुदीनियम के कॉम्प्लेक्स में ये जो लिगेंड है इसे हम कहते हैं डीएमपी। ये डीएमपी है और दो डीएमपी इसमें है, आरयू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये दो डीएमपी तो ऐसे हो गए। और यहाँ पर जो ये नेफ्थलीन है, इस नेफ्थलीन में एक ये क्या है सी एच है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर सी है और इसके साथ एक एच जुड़ा है, तो ये जो सी है इस सी से तो ये आरयू जुड़ गया और ये जो एच है वो इस आरयू से जुड़ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है बट इंटरमोलिक्यूलर हो रहा है कि सी और एच जो है वो किस में जुड़ रहे हैं, आरयू में जुड़ रहे हैं। फिर आप देखेंगे चौथा केस, सी और सी का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है। सी और सी का जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो कैसे हो सकता है, आप देखिए ये एक प्रोपाइलिन साइक्लोप्रोपाइलिन है, साइक्लोप्रोपीन है, और इस साइक्लोप्रोपीन में आप देखिए यहाँ पर पहले ये क्या करेगा, एक कार्बन सेंटर से जुड़ेगा और कार्बन सेंटर से जुड़ने के बाद ये फिर क्या होगा, ये रिंग ओपन होगी और ओपन होने के बाद फिर ये इस पॉइंट के थ्रू और इस पॉइंट के थ्रू इस आरएच से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए सी सी बॉन्ड जो है वो, यानी एक सी ये है और एक सी है, तो सी और सी के थ्रू आप देख रहे हैं जो सी और सी के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया और इस सी के थ्रू और इस सी के थ्रू आरएच के साथ ये जुड़ गया। तो सी सी बॉन्ड के थ्रू एडिशन हो सकता है, सी एच बॉन्ड के थ्रू एडिशन हो सकता है, SI3H के थ्रू हो सकता है, एच टू के थ्रू, ये सारे के सारे जो रिएजेंट है, सारे रिएजेंट कैसे हैं, नॉन पोलर रिएजेंट है। ठीक है, ये जो नॉन पोलर रिएजेंट है मैंने आपसे कहा ये कंसल्टेड मैकेनिज्म के थ्रू इनका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। और कंसंट्रेटेड कंसल्टेड मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, थ्री सेंटर मैकेनिज्म होता है। तो यहां पर होता क्या है, आप देखेंगे कि ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स था जो कि एक कैटालिस्ट था, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी और ये जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है यहाँ पर एम क्या था, जीरो था, और ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री थी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी, डीएट कन्फिग्रेशन था मान लीजिए। तो इस पर क्या हुआ, ये ए बी का एडिशन हुआ। ए बी एक कैसा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, नॉन पोलर ले रहे हैं, नॉन पोलर रिएजेंट हम ले रहे हैं। देखिए नॉन पोलर रिएजेंट हमने लिखा है, एच टू हो सकता है, CC हो सकता है, CH हो सकता है, SIH हो सकता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, एडिशन होगा, पहले स्टेप में जो AB है वो ऐड होगा। देखिए एडिशन हो गया, ये जो स्पीसीज है इसको हम कहते हैं थ्री सेंटर स्पीसीज, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है जहां पर आप देखेंगे M जो है A और B के साथ क्या कर रहा है, इस तरीके से जुड़ा है जैसे एक ओलिफिन जुड़ती थी आपने देखा था। तो यहां पर आप देखेंगे इस जगह पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो M है इसका पहले वाले पोजीशन पर एडिशन हुआ है, इस पहले स्टेप में क्या है, एडिशन हुआ है। और इस एडिशन के दौरान आपने देखा कि क्या हुआ है कि ये जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं हुआ है अभी, M जीरो था तो M जीरो ही रहा है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आप देखेंगे कि M जीरो है तो जीरो ही रहेगा, और जो आप देखेंगे जो जो पोजीशन है, जो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बढ़ गए लेकिन जो मेटल सेंटर है वो क्या हो गया, वो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रहा। यानी पहला स्टेप क्या है, एडिशन का है, और दूसरा स्टेप अगर आप देखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन का है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो ए बी बॉन्ड है ये टूटेगा, और ए बी बॉन्ड टूटने के बाद यहां पर एक्चुअल में होगा क्या, यहां पर कि ये जो ए बी है ये इलेक्ट्रॉन देता है जैसे एक ओलिफिन इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इससे क्या हो गया कि इसका जो जो इलेक्ट्रॉन काउंट था वो बढ़ गया।
अब यहां पर क्या होगा कि ए बी बॉन्ड टूटेगा, और ए बी बॉन्ड टूटेगा कैसे, जब ये मेटल सेंटर अपने इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा स्टार को देगा, तो मेटल सेंटर इसके सिग्मा स्टार को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेगी, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि पहले स्टेप में तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पहले स्टेप में केवल जो ए बी है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन काउंट को बढ़ा रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रही है। लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो मेटल सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन इसके जो सिग्मा स्टार है उसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन काउंट तो सेम रहती है बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जो कंसर्टेड मैकेनिज्म है उसमें पहले स्टेप में तो एडिशन होता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, 16 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा और दूसरे स्टेप में एम जीरो से एम सेकेंड में कन्वर्ट होगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये 16 इलेक्ट्रॉन और एम जीरो से 18 इलेक्ट्रॉन एंड एम टू में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलर वे में यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिखाई है वास्का कॉम्प्लेक्स को लेते हुए, कि ये इरिडियम कॉम्प्लेक्स है जो कि 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, स्क्वायर प्लेनर है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जैसे इसमें H2 जुड़ेगा ऐसे जुड़ेगा, देखिए कंसर्टेड मैकेनिज्म में ऐसे जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ जाएगा, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा। उसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो H से जुड़ेगा और इस H से जुड़ेगा, और जब ये जुड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ये जो स्टेप है ये ऑक्सीडेशन की स्टेप है और ये जो स्टेप है ये एडिशन की स्टेप है। तो इसको हम कहते हैं कौन सी मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है जो कि कौन से रिएजेंट दिखाते हैं, जो कि नॉन पोलर रिएजेंट्स होते हैं। तो अगर हम इसको जिस्ट देखें, इस जो कंसर्टेड मैकेनिज्म है इसका अगर हम जिस्ट देखें तो हम देखेंगे कि थ्री सेंटर ऑक्सीडेटिव एडिशन है, थ्री सेंटर बनते हैं यहाँ पर M, और इस तरीके से ये जो सेंटर बना इसको हम कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें एडिशन होता है, और सेकेंड स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन का होता है, और सेकेंड स्टेप में ब्रेकिंग भी होती है H और A बॉन्ड की, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेप है वहां पर बैक डोनेशन भी होता है, जैसा मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये देखिए एम से यहाँ पर सिग्मा स्टार में ये बैक डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। फिर ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है ये एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पर आप देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट इसके साथ जुड़ के थ्री सेंटर स्पीसीज बना रहा है, ठीक है। जो मेटल कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए तभी ये इसको ऐड करेगा। तो ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही है, और जनरली जो एडिशन होता है रिएजेंट का वो क्या होता है, सिस होता है। ये जो एडिशन है देखिए सिस एडिशन ये होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म जो कि कौन दिखाते हैं, जबकि अटैक किसका होता है, नॉन पोलर रिएजेंट का होता है। अब मैंने आपसे ये कहा कि जब पोलर रिएजेंट का अटैक होता है तो तीन तरीके की मैकेनिज्म होती है, एक होती है SN2 मैकेनिज्म, एक होती है रेडिकल मैकेनिज्म, एक होती है आयनिक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं SN2 मैकेनिज्म को। अगर आप SN2 मैकेनिज्म को देखेंगे तो यहां पर हम एल्काइल हैलाइड से ऑक्सीडेटिव एडिशन कराने वाले हैं। तो आप देखिए ये एक कैटालिस्ट होगा, इस कैटालिस्ट इस रिएजेंट्स पर जब रिएक्शन किसकी हो रही है, ये एक रिएजेंट है, और ये रिएजेंट कैसा रिएजेंट है, एल्काइल हैलाइड है, मतलब ये एल्काइल हैलाइड है PHCH2Br। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक जो मेटल सेंटर है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। यहाँ पर जब SN2 मैकेनिज्म होगी तो SN2 के लिए क्या जरूरी है कि ये जो पैलेडियम है या जो मेटल सेंटर है, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, इट शुड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है। और जब एल्काइल हैलाइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट होगी, तो यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेगा तो ये एक स्लो रिएक्शन, और आप देख सकते हैं कि ये जो रेट है वो इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और इसके बाद जो फास्ट रिएक्शन होगी उसमें क्या, आप देखिए यहाँ पर ये बीआर देखिए अलग हो गया, एक तरीके का ये कह सकते हैं कि आयनिक पेयर बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया पैलेडियम के ऊपर क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर रहा है, और ब्रोमियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन ब्रोमियम इसके साथ जुड़ी नहीं है अभी। अब क्या होगा फास्ट में, क्या होगा स्टेप में, ये ब्रोमियम कहाँ जुड़ जाएगी, इस पॉजिटिव में,
तो ये ब्रोमीन जो है वो यहाँ अटैक करेगी और आप देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट हमें बनेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक पार्ट, एक साइड तो ये जुड़ा है और एक साइड कौन जुड़ा है, देखिए एक साइड CH2PH जुड़ा और एक साइड कौन जुड़ा है, Br। तो ये जो SN2 मैकेनिज्म है इसमें क्या होगा कि जो एक मेटल सेंटर होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, यहाँ पर होमोलिटिक फिजन नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होमोलिटिक होगा क्योंकि ए और ए एक से है, एक्चुअली में ए और ए एक से है, ए और बी एक से है, और भी एक सोने से क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्यूजन है वो हेट्रोलिटिक होगा, इसलिए इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद खुद पॉजिटिव हो जाएगा और इसको नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर आसानी से जुड़ सकता है। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। तो ये एक SN2 मैकेनिज्म है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, जब इसमें MEI अटैक कर रहा है तो MEI अटैक करने से क्या हो रहा है कि पहले ME जो है वो IR में जुड़ा, इस स्क्वायर पिरामिडल आप देख रहे हैं कि एक क्या बना, इंटरमीडिएट बना, पहले स्क्वायर प्लेनर था, स्क्वायर प्लेनर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, वन ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्क्वायर पिरामिडल एक इंटरमीडिएट बन गया, और इस इंटरमीडिएट में अगर आप देखेंगे तो इरिडियम पर क्या आ गया, प्लस चार्ज और एक आई माइनस, यहाँ आप क्या होगा ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, इलेक्ट्रॉन सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और आप देख रहे हैं कि जो IR है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3। तो देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में स्क्वायर प्लेनर से जो ज्योमेट्री वो ऑक्टाहेड्रल कण में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ये एक कैसी रिएक्शन है, एडिशन की रिएक्शन भी है, ठीक है। फिर तो इसका मतलब आप देखेंगे जो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, जहां पर आप देखेंगे कि रिएजेंट कैसा है, ए बी टाइप है, तो वहां पर कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। सबसे बड़ी चीज आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। फिर आपने देखा कि एडिशन होगा एल्काइल मिथाइल एसाइल हैलाइड्स का वास्का कंपाउंड में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो रिएक्शन है वो इस पर और इस पर दोनों पर डिपेंड करती है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कार्बन पर जो इन्वर्जन होता है यहाँ पर, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जो RX का जो एडिशन है, इट मे बी सिस और ट्रांस, हमने जैसे H2 के केस में देखा था कि जो एडिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिस होता है, लेकिन यहाँ पर जो एडिशन है इट मे बी सिस और इट मे बी ट्रांस, ये दोनों में से कोई भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। पहले स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे एडिशन होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर जो स्पीसीज है, इट मे बी कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो पहला स्टेप है, देखिए इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ पर पहले स्टेप में ही ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ेगी। जबकि आपने देखा था कि यहां पर जो मैकेनिज्म थी कंसर्टेड मैकेनिज्म में आपने देखा था कि पहले क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ा था, पहला स्टेप इज एडिशन एंड सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन। जबकि यहां पर क्या हुआ है, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन है और दूसरा स्टेप क्या है, एडिशन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो SN2 मैकेनिज्म है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। अब जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कंसर्टेड जो यली मैकेनिज्म है, जहां पर SN2 मैकेनिज्म है, तो हम देखेंगे अगर स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि ये जो स्पीसीज है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है, तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगा तो आप बहुत आसानी से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जितना नेगेटिव होगा, जितना हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज पर होगी, उतना ही फास्ट ये रिएक्शन होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटल पर होंगे तो वो क्या करेंगे, मेटल की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे इस मैकेनिज्म के थ्रू। क्यों करेंगे, अगेन क्योंकि वो क्या करेंगे, अगर इस मेटल के साथ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़े रहनी है जिससे कि SN2 की मैकेनिज्म इजिली हो सके। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और अगर हम एरीन ग्रुप होगा तो एरीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह एक्ट करेगा, और या एल्कीन अगर एडेड होगा तो इसका मतलब है कि ये उतना रिएक्ट नहीं करेगा जितना रिएक्ट ये करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहलाएगी, ठीक है। अगर हम प्राइमरी हैलाइड्स को, अब हम हैलाइड्स को देखें, एक तो हमने रिएक्टेंट देखा, रिएक्टेंट को हमने देखा कि अगर रिएक्टेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है
तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो डिक्रीज करते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब बारी आई है जो रिएजेंट है, जो कि पोलर रिएजेंट है। तो पोलर रिएजेंट की जो जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि जो वो क्या बनाता है, जो वो प्राइमरी हैलाइड है, टर्शियरी, अगर हम सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस देखें तो ये किस ऑर्डर में होती है, जिस ऑर्डर में रिएक्टिविटी ऑर्डर उस ऑर्डर में होती है, यानी जो मिथाइल आयोडाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? इथाइल आयोडाइड उससे कम, और जो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है वो उससे भी कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता होगा, कुछ आइडिया है? ये हमने देखा कि ये जो स्पीसीज है, देखिए ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर जो ग्रुप्स हैं, ये जिन्होंने अटैक करना है, यहां पर तीन मिथाइल ग्रुप है, तो ये डोनर, ये क्या करेंगे, ये जो तीन मिथाइल ग्रुप है, ये वहां पर आपने देखा कि जो जो आयोडाइड है, जो हैलाइड है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़नी है, जो जो रिएजेंट है, जो देखिए रिएजेंट है, अगर आप इस रिएजेंट को देखेंगे, ये रिएजेंट, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होनी है, तो इस रिएजेंट, ये इस सेंटर के साथ ये जो पी है, ये भी पीएच जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बीआर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इसको और पॉजिटिव करेगा, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिविटी को क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हो। ठीक है, तभी ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। दूसरे तरीके की जो मैकेनिज्म है वो आयनिक मैकेनिज्म है, और आयनिक मैकेनिज्म में जनरली हाइड्रोजन हैलाइड के ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेटिव एडिशन में हम ये रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, जो कि लगभग SN2 की तरह मिलती जुलती है। और यहां पर हम देखेंगे कि एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। देखिए हमने ये कहा कि जो नॉन पोलर रिएजेंट का जुड़ना, जो पोलर रिएजेंट का जुड़ना होता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो स्पीसीज है वो कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड ही हो, वो कोऑर्डिनेटिवली सेचुरेटेड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने यहां पर देखा कि ये जो स्पीसीज थी वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड थी, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम थी। अब यहां पर जो हम आयनिक मैकेनिज्म में दिखा रहे हैं, यहां पर ये जो स्पीसीज है ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें सफिशियंट है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब इसमें जब ये जो रिएजेंट है वो अटैक करेगा, पोलर रिएजेंट, तो क्या होगा कि सबसे पहले इसमें से एक बल्की लिगेंड जो है वो निकल गया, देखिए। ठीक है, तो बल्कि लिगेंड निकलने से क्या हुआ, किसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कम हो गई, इलेक्ट्रॉन काउंट कम हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन काउंट कम होने के बाद ये आसानी से क्या हो सकता है, इस पर H प्लस बाइंड कर सकता है, तो इस पर H प्लस बाइंड करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और Cl माइनस इसके साथ जुड़ा है, तो अब आप देखिए इस पूरे के ऊपर प्लस चार्ज है और इसमें Cl माइनस है, तो इससे क्या होगा कि Cl माइनस आसानी से क्या करेगा, प्लेटिनम पर अटैक कर लेगा, और जैसे ये प्लेटिनम पर अटैक करेगा, ये जो स्पीसीज है वो उसमें क्या होगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, जो पहला स्टेप था वहीं पर एक्चुअली क्या हो गया है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन काउंट यहां पर कम हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन काउंट कम हो तो वहां पर क्या हो जाए, जो एक्चुअली यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर ये देखिए, यहां पर तीन पीपीएसटी थे, तो यहां पर एक पीपीएसटी और रिमूव होता है। इलेक्ट्रॉन काउंट अगर आप देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन से 16 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, क्योंकि Cl एक डोनेट करेगा, H एक डोनेट करेगा, और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन काउंट डिक्रीज जरूर हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन हुआ है और एडिशन हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है, और ये एक आयनिक मैकेनिज्म है, और जरूरी नहीं है कि ये स्पीसीज जो है वो हमेशा ही एक कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड स्पीसीज हो, इट मे बी अ कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड स्पीसीज ऑल्सो। और यहाँ पर आपने देखा जो सेचुरेटेड स्पीसीज है वो पहले इलेक्ट्रॉन को कम कर लेती है, और कम करने के बाद उसमें फिर एडिशन हो सकता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर ये स्पीसीज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो मैंने आपसे कहा कि ये हो भी सकती है कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड और नहीं भी हो सकती, तो यहां पर जब ये बाइंड करेगा, अब आप दूसरा चीज देखिए, पहला अटैक H प्लस का भी हो सकता है और Cl माइनस का भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ये स्पीसीज कैसी है। तो यहां पर ये जो स्पीसीज थी 18 इलेक्ट्रॉन थी, इलेक्ट्रॉन रिच थी, तो यहां पर किसने अटैक किया, H प्लस ने। यहां पर जो स्पीसीज है वो पॉजिटिव स्पीसीज है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो यहां पर पहले कौन अटैक करेगा, क्लोराइड अटैक करेगा, तो यहां पर जब क्लोराइड अटैक करेगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जब बन गई
आई तो इस पर फिर कौन ऐड हो जाएगा, H प्लस ऐड हो जाएगा, और H प्लस ऐड होने के बाद ये 18 इलेक्ट्रॉन रहेगी। और ये जो इसकी जो अगर आप देखेंगे जो जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट भी इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम आयनिक मैकेनिज्म को देखें तो आयनिक मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि जो स्पीसीज है इट मे बी कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है तो हाइड्रोजन आयन पहले अटैक करेगा और अगर अनसैचुरेटेड है तो सीएल माइनस पहले अटैक करेगा और अटैक करने के बाद में जो दूसरा पार्ट है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। सो दिस इज आयनिक मैकेनिज्म। और आयनिक मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अगर हम देखें पोलर रिएजेंट में तो वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है और कई बार आपने देखा आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, पहले क्या होता है प्रोटोनेशन होता है मेटल सेंटर का। अब मैंने आपको ये सारी कंडीशंस बता दी हैं। देखिए ये वही कंडीशन है, एक्चुअली ये सारी जो रिएक्शंस हैं सेकेंड ऑर्डर की हैं क्योंकि पहली स्टेप में ही जो है ये रिएक्टेंट इस पर अटैक कर रहा है और आप देखेंगे कि इसमें सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। हाइड्रोजन आयन रिएक्ट कर सकता है पहले या सीएल माइनस आयन रिएक्ट कर सकता है। ओके, तो यहां पर जो SN2 था और आयनिक में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, दोनों में डिफरेंस है। ओके, आप देख लीजिए एक बार और, जो SN2 मैकेनिज्म है वो इस तरीके की मैकेनिज्म है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्पीसीज है वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेशन के बाद यहाँ पर पहले आयनिक, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आयनिक स्पीसीज बना रहा है और फिर ये जो नेगेटिवली चार्ज जो आयन है वो इस पर अटैक करेगा। यहाँ पर क्या होगा, एसिड का अटैक है, जनरली एसिड अटैक करता है तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म है और आयनिक मैकेनिज्म में एच प्लस अटैक कर सकता है या सीएल माइनस अटैक कर सकता है एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ स्पीसीज। ये जो स्पीसीज है मेटल की वो स्पीसीज क्या है उस पर ये करता है। ठीक है, तीसरी जो मैकेनिज्म है वो रेडिकल मैकेनिज्म और जनरली ऑर्गेनोहैलाइड जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है यानी RX का जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। अगेन रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ टू टाइप्स, नॉन चेन एंड चेन मैकेनिज्म। तो जो नॉन चेन मैकेनिज्म होती है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल कॉम्प्लेक्स से ऑर्गेनोहैलाइड और फिर क्या होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जनरेटेड रेडिकल्स, रेडिकल्स जो जनरेट होते हैं उनका क्या होता है रिकॉम्बिनेशन होता है। आप ये देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स था उसकी RX से रिएक्शन हुआ। RX क्या किया, ये होमोलिटिकली क्लीव्ड हुआ। जब होमोलिटिकली क्लीव्ड हुआ तो एक रेडिकल ये बना और एक रेडिकल ये बना और पहले क्या हुआ कि ये रेडिकल इसमें ऐड हो गया। जब ये रेडिकल ऐड हो गया तो हमें ये स्पीसीज मिल गई। ठीक है, ये रेडिकल जो ऐड हुआ इसमें से जो रेडिकल ऐड होता है एक्स ऐड होता है, पहले हैलाइड ऐड होता है और जब ये ऐड हो जाएगा उसके बाद ये एक रेडिकल बना और एक रेडिकल ये बन गया। उसके बाद ये दोनों रेडिकल हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो जो रेडिकल मैकेनिज्म है ये नॉन चेन, देखिए नॉन चेन है, कोई चेन रिएक्शन नहीं हो रही है। सीधे सीधे क्या हुआ कि एक मेटल था और उस मेटल की रिएक्शन हैलाइड से की और हैलाइड से रिएक्शन करने के बाद ये जो हैलाइड वाला पार्ट है वो मेटल के साथ जुड़ा और एक रेडिकल बना दिया, दूसरा रेडिकल बना और ये दोनों रेडिकल फिर आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये नॉन चेन मैकेनिज्म है जिसमें कि चेन इनिशिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जनरली किसमें होता है, ये वाला जो मैकेनिज्म है ये इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर में होता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर में ये जो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या होगा कि वो जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है उसे तोड़ेगा, उसको तोड़ना भी जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है इसके सिग्मा ऑर्बिटल को और जब सिग्मा ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो इस RX बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है और जब RX बॉन्ड ब्रेक होगा तभी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो जब मेटल रिच स्पीसीज होगी तब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर पाएगा और यहां पर आप देखेंगे कि जो मोर स्टेबल द रेडिकल स्पीसीज मोर फास्ट द रिएक्शन। जो रेडिकल बन रहा है जो R, ये जो R बन रहा है ये अगर टर्शरी होगा तो फास्ट रिएक्शन होगी, सेकेंडरी होगा तो उससे कम रिएक्शन होगी, उससे कम तेजी से, और प्राइमरी होगा तो उससे भी कम तेजी से रिएक्शन होगी क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये जो रेडिकल है ये कितना स्टेबल है। ठीक है, तो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी जितना ये स्टेबल रेडिकल बनेगा। तो ये है नॉन चेन। चेन रेडिकल मैकेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ रेडिकल्स होता है, रेडिकल्स का कंटिन्यूअस जनरेशन होगा क्योंकि ये चेन रिएक्शन होगी।
ठीक है, रिएक्शन किसके बीच में होगी, जो रेडिकल इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो या तो आपस में रिएक्शन करेंगे या फिर स्टार्टिंग मटेरियल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, है? और इस रिएक्शन को अगर बंद करना है तो हमें रेडिकल ट्रैप्स का यूज करना होगा जो कि उस रिएक्शन को क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे। तो अब आप देखिए यहां पर ये रिएक्शन हमने दिखाई है कि यहां पर एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जब इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू ये एक रेडिकल जनरेट कर रहा है, ठीक है, रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये देखिए रेडिकल है, ये रेडिकल एक हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जब ये हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पहले ये आई जो है वो ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पर, और जब आई ऐड हो रहा है तो एक नया रेडिकल, एक तो ये बन रहा है और एक रेडिकल ये बन रहा है, ठीक है। अब यहां के बाद क्या होगा, चेन इनिशिएशन हो गई, अब ये रेडिकल बनने शुरू हो गए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब चेन चलेगी, चेन प्रोपागेशन होगी, चेन प्रोपागेशन कैसे हो रही, ये जो है ये फर्दर या तो इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है या इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये देखिए फर्दर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और फर्दर रिएक्ट करके दो आई जोड़ दिया और ये क्या बन गया, फिर से एक रेडिकल बन गया। तो इस तरीके से रेडिकल जनरेट होते रहेंगे और रिएक्शन जो है वो प्रोपागेट होती रहेगी। तो चेन प्रोपागेशन कैसे हो रहा है, देखिए ये जो रेडिकल है, ये जो रेडिकल बचा है ये भी अभी किससे रिएक्ट कर सकता है, इससे रिएक्ट कर सकता है, और इससे रिएक्ट करने के बाद देखिए ये फिर से एक रेडिकल बना दिया, और ये जो रेडिकल है फिर से इनिशियल रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर। इस तरीके से आप देखेंगे चेन प्रोपागेशन होता जाएगा, चेन बन रही है क्योंकि रेडिकल जनरेट होते जा रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, चेन प्रोपागेशन है। तो इस तरीके से आपको मैं एक बार और रिवाइज करा दूं, देखिए कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जिनके बारे में आपने अधिक सुना नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन जो मैकेनिज्म है उसमें आपने देखा कि ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है ये होमोजेनियस कैटालिस्ट के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि कैटालिस्ट जब साइक्लिक प्रोसेस करते हैं तो उसके बीच में होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन दो तरीके की हो सकती है, मोनोन्यूक्लियर या बाइन्यूक्लियर, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है या एक इलेक्ट्रॉन का। तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब है ऑक्सीडेशन होना एंड एडिशन होना, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ये एक से बढ़ सकती है, एक यूनिट से बढ़ सकती है या फिर दो यूनिट से बढ़ सकती है। ये मैंने आपको दिखाया कि मोनोन्यूक्लियर होगा तो दो यूनिट से बढ़ेगी और अगर बाइन्यूक्लियर होगा तो एक यूनिट से ये इंक्रीज होगा, किसमें, तीन चीजों में, इलेक्ट्रॉन काउंट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर मैंने आपको बताया कि जो इसका अपोजिट होता है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन का भी हम एक बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर हम पढ़ेंगे कि रिडक्टिव एलिमिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये मैंने उसके बारे में आपको कुछ बताया था कि ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन और जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो डिपेंड करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीडेटिव एडिशन को देखें तो हम अगर कहें ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात करें तो उनको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज उनको होना चाहिए, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में उनको होना चाहिए जिससे कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो सके, ऑक्सीडाइज हो सके। और ये जो रिएक्शंस हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए लिमिटेड नहीं होती है बल्कि दूसरे एलिमेंट्स भी इनको शो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस हैं उनमें डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स यूज करते हैं, तो पोलर रिएजेंट हो सकते हैं और नॉन पोलर रिएजेंट हो सकते हैं। जो नॉन पोलर रिएजेंट होता है उनके लिए अनसैचुरेटेड मेटल सेंटर की जरूरत है, जबकि पोलर रिएजेंट के लिए जो मेटल सेंटर है इट मे बी अनसैचुरेटेड, इट मे बी अनसैचुरेटेड और मे बी सैचुरेटेड, कोऑर्डिनेटिव भी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। जब पोलर रिएजेंट ऐड होते हैं तो SN2 मैकेनिज्म हो सकती है, रेडिकल हो सकती है, आयनिक हो सकती है, और अगर नॉन पोलर रिएजेंट ऐड होंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो सकती है। नॉन पोलर रिएजेंट जब ऐड हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम है वो हमेशा क्या होगा, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होगा, हमेशा एडिशन सिस पोजीशन पर होगा, और ये जो रिएक्शन है वो हमेशा कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होगी। अगर हम देखेंगे तो नॉन पोलर रिएजेंट में वास्का कंपाउंड और जो विल्किंसन कैटालिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जिसको कि आप आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन जो नॉन पोलर रिएजेंट है उसमें SiH का एडिशन हो सकता है, H2 का एडिशन हो सकता है, CH का इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर हो सकता है, CC बॉन्ड का एडिशन हो सकता है। तो अगर ये मैकेनिज्म अगर हम इसकी देखें तो मैंने आपसे कहा कि कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्या होता है, पहला स्टेप एडिशन का है और दूसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन का है। नॉन पोलर रिएजेंट जब ऐड होता है और ये जो स्पीसीज है वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड स्पीसीज है। यहाँ पर हमने स्टेप्स दिए हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं, और जनरली जो ये एडिशन होता है ये सिस एडिशन होता है। अब अगर हम SN2 मैकेनिज्म में देखें तो ये पोलर रिएजेंट के केस में होती है, और जो एडिशन ऑफ पोलर रिएजेंट है वहां पर ये जो स्पीसीज है
ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच तो होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी कम होनी है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है इट मे बी सैचुरेटेड और इट मे बी अनसेचुरेटेड। और इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर जो जो ये स्पीसीज है ये नेगेटिव होनी चाहिए, हो सकती है तो बहुत अच्छा है, और अगर यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो मिथाइल ग्रुप कम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अधिक हो, तो रिएक्शन फास्ट होगी। और इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि पहले एक पॉजिटिव स्पीसीज बनेगी और एक नेगेटिव स्पीसीज, फिर ये नेगेटिव स्पीसीज पॉजिटिव मेटल सेंटर पर अटैक कर सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि ये जो जो स्पीसीज है दे में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो आयनिक मैकेनिज्म, और आयनिक मैकेनिज्म में आपने देखा कि सैचुरेटेड हो सकती है स्पीसीज, अनसैचुरेटेड हो सकती है, और यहाँ पर आपने स्पेशली जो एसिड्स हैं उनका अटैक देखा, और एसिड्स के अटैक में आप देखेंगे कि ये जो रिएजेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल आप देखेंगे अपोजिट है, SN2 मैकेनिज्म में आप देखिए पहले क्या हो रहा है, किसकी किसकी अपोजिट है एक्चुअली, SN2 मैकेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कंसर्टेड मैकेनिज्म में देखेंगे तो वहां पर पहले एडिशन हो रहा है। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म में पहले क्या होगा, एडिशन होगा फिर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा देन क्या होगा, एडिशन होगा। तो इस तरीके से लगभग जो आयनिक मैकेनिज्म है वहां पर भी इसी तरीके से होगा। और आपने देखा कि ये जो जो एसिड्स हैं वो इस तरीके के रिएक्शंस देते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं H प्लस का अटैक हो सकता है अगर ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, यहाँ पर सीएल माइनस का हो सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो फिर आपने तीसरी मैकेनिज्म देखी, रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म जनरली नॉन चेन और चेन हो सकती है। नॉन चेन मैकेनिज्म में आपने देखा कि डायरेक्ट जो है वो आर एक्स जो है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद एक रेडिकल बनाएगा, और वो दोनों रेडिकल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। चेन में क्या होगा कि चेन इनिशिएशन होगा और चेन प्रोपागेशन होगा और उसके बाद टर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पर आपने एक एग्जांपल देखा था जहां पर आपने देखा था कि ये जो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है ये अटैक कर सकता है और डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट बन सकता है या फिर ये प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि जो रेडिकल्स हैं वो अलग अलग तरीके के रेडिकल्स जनरेट हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस, जिसकी आपने डिफरेंट मैकेनिज्म देखी, जिसकी आपने डिफरेंट उसके रिएजेंट्स देखे कि कितने तरीके के रिएजेंट पॉसिबल हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जब होमोजेनियस कैटालिस्ट पढ़ेंगे वहां पर आप इस नाम को बार बार सुनेंगे, क्योंकि जब भी कोई होमोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं तो वहां पर मैंने आपसे कहा कि एक मेन स्टेप है साइक्लिक प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव एडिशन, आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इन द सिमिलर वे इसी की तरीके से और भी रिएक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो थैंक यू। तो इस रिएक्शन को हम यहीं पर रोक रहे हैं जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से है।